हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अमीरपेट में आते हैं फॉर डूइंग द क्लासेस सी सी पी पी जावा डॉट नेट सेल्सफोर्स सब कुछ यहाँ पे होता है। मैं भी यहाँ पे आया था 2017 में। एजेंडा यही रहेगा अपना कि बेस्ट हॉस्टल को ढूंढना है अपने को अमीरपेट के अंदर। बट अभी देखते हैं यार, काफ़ी हॉस्टल्स क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे, सस्ते में सस्ता भी मिलेगा, महंगे में महंगा भी मिलेगा। एक मॉडरेटली प्राइज्ड है और काफ़ी फेमस यहाँ पे हॉस्टल ब्रांड है विच इज़ बशीर एग्जीक्यूटिव हॉस्टल्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये लोगों ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, कोई प्रमोशन का नहीं है। यहाँ पे मेरे दोस्त भी रह चुके हैं और मैंने भी देखा है कंपैरेटिवली यहाँ के जो रूम्स वगैरह है काफ़ी स्पेशियस है। और खाना के ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, क्योंकि खाना आप कोई भी हॉस्टल में जाओ आप नहीं खाने वाले। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आप नहीं खाने वाले, आप बाहर ही खाने वाले हो। आपको मैं अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये हॉस्टल कैसा है। कुछ इस तरह दिखता है बाहर से, बहुत शांति है। अभी तो भैया बोल रहे थे कि अभी अभी जैसा स्टार्ट हुआ है। अरे भैया पता नहीं कहाँ चले गए भैया। ये हमारे भैया, भैया आपका नाम बोल दो। मथुरस फुंगलो। हाँ मथुरस फुंगलो सर। मधु मथु मथुरस फुंगलो। मथुरस आपका निकनेम नहीं है क्या? कुछ दूसरा नाम नहीं है? नहीं है, यही है। सब लोग आपको क्या बुलाते हैं? मथुरस। मथुरस हॉस्टल के बारे में बताओ कुछ। हॉस्टल के बारे में अभी स्टार्टिंग हुआ, जस्ट हफ्ता दिन वन वीक जैसा हो गया। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी क्या क्या है? थ्री शेयरिंग है, फोर शेयरिंग है? थ्री शेयरिंग, फोर शेयरिंग, वन शेयरिंग, वन शेयरिंग भी है। और रेट्स बता दीजिए। थ्री शेयरिंग का शायद 6000 ना। सबसे अच्छी तरफ से बात कर रहे, थोड़ा कम भी होता है। अच्छा रूम अच्छा देख के। लेकिन ये रूम अभी रिपेयरिंग हुआ, सब रिनोवेशन हुआ, कलर सलर मार दिया। अच्छा अच्छा। पहले का वो कंपाउंड सम्पर बाथरूम लेटरिन का क्लियर कर दिया, कलर पेंटिंग मार दिया, अभी नीट एंड क्लीन करके रखा। अच्छा अच्छा, दे सकते हैं। ओके किसी का जरूरत है तो आ जाओ। ओके और क्या रेंट क्या बोले आप? रेंट का टू शेयरिंग का 6500। टू शेयरिंग का, टू शेयरिंग का 6500 और थ्री शेयरिंग का? थ्री शेयरिंग का 6000। और अटैच बाथरूम है, बाथरूम रोज क्लीन होता है? अटैच बाथरूम भी है, कॉमन बाथरूम भी है, उसमें थोड़ा अलग अलग रेट का होता है। अच्छा अच्छा। अगर अटैच बाथरूम लिया तो महंगा पड़ता है, कॉमन बाथरूम लिया तो सस्ता पड़ता है? सस्ता पड़ता है, और 500 जैसा। ओके और ये अपना क्या बोलते हैं, क्लीनिंग वगैरह होता है ना बाथरूम का? क्लीनिंग सब हर महीना का नहीं, हफ्ता में होता है। कोई जो रूम कचरा हुआ उसको क्लीनिंग करने आया हो। देखो भैया आप ऑन द रिकॉर्ड वीडियो पे बोल रहे हो है ना, अगर नहीं हुआ ना तो लोग यही वीडियो दिखाएंगे आपको कि आपने बोला था। नहीं 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 सही में हम बोल रहा हूँ, अभी ऐसे ही चल रहा है, चल के आया कितना साल। हाँ हाँ हाँ। और रोटी, रोटी का बोल रहे थे आप? रोटी, रोटी वो कुकिंग मास्टर आ जाएगा तो सब सेटिंग हो जाएगा, रोटी वगैरह वो खाना। अच्छा अच्छा। होता है और लाइट वाइट तो नहीं जाता है? लाइट नहीं जाता है ना इधर, इलेक्ट्रिसिटी रहता है ना हमेशा? इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहता है। और वाईफाई भी हमेशा रहता है? रहता है, वो साइड में जियो वगैरह रहता है। रोटी क्यों नहीं मिल रहा है? रोटी नाश्ता सुबह को ब्रेकफास्ट एवरीथिंग होता है। हां टाइम 12 बजे लंच होता है। सुबह 7:30 को लंच होता है, डिनर होता है, तीन टाइम होता है। अच्छा ये थ्री शेयरिंग है? ये थ्री शेयरिंग का है, ये हमारा अटैच बाथरूम, वही में थ्री शेयरिंग का थ्री है। अभी कोई रहता नहीं ना इधर? कोई लेता ही नहीं, अभी रेडी करके रखता है, क्लीन करके उसका। अच्छा कोई आया तो देने के लिए। बाथरूम क्लीन नहीं दिख रहा है? बाथरूम तो आप जब आएगा वो तो बोल के हम बता देते हैं, हम लोग क्या करते हैं। अभी एक बंदा आएगा तो भी क्लीन करोगे ना इसकी? करूंगा श्योर, सब की करके ऐसे रखते हैं। हाँ वो तो पता है। अपनी बालकनी है क्या? ये साइड। अच्छा देखो क्या जा सकता हूँ ना। ओ बाजू में भी हॉस्टल है ना? ये दूसरा का है। अच्छा तो अभी ऐसा ही रूम है, फोर शेयरिंग भी ऐसा ही है, इससे बड़ा है? ऐसे ही सब सब ऐसा ही है, फोर शेयरिंग में एक एक्स्ट्रा बेड रहेगा। ये क्या है? अच्छा ये वही है क्या, ओपन स्पेस? और नॉनवेज वगैरह मिलता है क्या भैया खाने में? खाने में तो चिकन होता है संडे को, हर संडे को दाल होता है चिकन, और फ्राइडे को अंडा होता है। अच्छा चिकन लिमिटेड होता होगा, तीन पीस देते होगे आप? तीन पीस, चार पीस। और करी अनलिमिटेड होता है या करी भी लिमिटेड है? दाल सब्जी और वगैरह वगैरह चंबा
इडली सुबह में इडली डोसा। अरे रोटी नहीं देते ना यार भैया, रोटी दो ना यार। चालू होना है, करेंगे। कुकिंग मास्टर चला गया ना? क्या कोरोना की वजह से चला गया? यहाँ से उतरना है क्या नीचे? अभी कितना हुआ? दो सात दिन में यहाँ पर वन वीक चल रहा है स्टार्टिंग का। अरे वो भैया तो बोल रहे हैं कि रोटी दे ही नहीं रहे हो आप। रोटी चाहिए तो रोटी है, अभी कुकिंग मास्टर आएगा तो सब हो जाएगा ना। हम लोग इसी से जाए। भैया आपका छोटा भाई भी था ना इधर? भाई था आपका, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। 2017 में मेरे दो दोस्त रहते थे, मतलब पीछे साइड रहते थे। वो एक वो थोड़ा अजीबोगरीब रूम था, उसमें क्या था कि कॉमन बाथरूम था शायद पूरा, 3-4-5-6 फ्लोर मिला के। और ये ऐसा लोकेलिटी कुछ है, यहाँ पे शायद मेस होता होगा, है ना। सी भैया खाने का देख लो, कहाँ से ऊपर कहाँ से चढ़े थे अपन, भूल गए क्या आप भी? आप कैसे भूल सकते हो? कुछ नॉर्थ वालों के लिए कुछ, आप तो खुद भी नॉर्थ साइड से ही हो, कुछ नॉर्थ वालों के लिए करो। नॉर्थ ईस्ट का है। कहाँ का है यार? नॉर्थ ईस्ट के हो ना आप? नॉर्थ ईस्ट का। तो आपने यार रोटी वोटी खिलाओ यार हमारे नॉर्थ के भाइयों को, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब यहाँ आते हैं, उनको रोटी वोटी नहीं मिल पाता है। अभी सर आगे एक और पता चला गया। हाँ हाँ, वो कुक मास्टर आने का बाद सब चला मिल जाएगा आपको। दो तीन हफ्ता रुके, थोड़ा रुकना चाहिए बोल के पता। और क्लीनिंग वगैरह सब हो जाएगा, है ना। देखो भैया अब वीडियो देख के आएंगे लोग, तो कैसा नाराज मत करना उनको यार। नाराज का क्या, आप ऐसे हंस रहे हो? सीधा सीधी हम बोल दिया, दिन एक तीन पार्ट से जो तो, बोलना है बोल दिया। हाँ, कुछ बोलना है आपको? बोलना है तो यही है, थोड़ा ये नाश्ता का पैमेंट थोड़ा प्रॉब्लम था, और कुछ नहीं, खाना और ठीक है। अच्छा, नाश्ते का भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा ना? हो जाएगा, अभी छुट्टी एक छुट्टी लेके किया था वो हम लोग। अभी वीडियो देख के कोई आया तो उसको कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट वही सर सबसे बात करने, हमारा जो ओन मालिक है ना। हाँ हाँ, सर है ना। हाँ हाँ, सबसे बात करके थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं। अच्छा, सर से बात करके कर सकते हैं क्या डिस्काउंट? ठीक है चलेगा, थैंक यू भैया। आप यहाँ पे आ सकते हो, बट आने के बाद खुद चेक करिए और खुद डिसाइड करिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको शायद नहीं पसंद आए। तो इसलिए आप खुद आके देखिए, पहले समझिए और फिर डिसाइड करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो मे भी ये भी हो सकता है कि इससे बेटर भी आपको कुछ मिल जाए जो कि मुझसे मिस हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। That I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely waiting. You left me in pieces. There's no more to break.